हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थानी व्लॉगर नरेंद्र रावत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज हम आपके लिए काउ मिल्किंग का फुल वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। तो देखिए, अभी गाय को दूहने से पहले उसके लिए हम गाय की कुट्टी मिला रहे हैं। ये देखिए कुट्टी पड़ी है। तो सबसे पहले जो गाय है हमारी, उसको बांधेंगे हम खूंटे पर। ये हक्कड़ है, उसको हक्कड़ बोलते हैं जिससे बांध रहे हैं, लोहे की है। ये हक्कड़ से बांध दिया गाय को। और अब ये देखिए, ये कुट्टी मिला दी थी। अब मैं इसको पहले चाटा मिला के कुट्टी रख देंगे। चाटे पे दुआती है ये, क्योंकि इसके बच्चा नहीं है। ये देखिए चाटा मिला दिया मैंने, और अब मैं इसके पैर बांधूंगा आराम से। देखिए ये देखिए मेरी बहन की गायें हैं ये दोनों। ये देखिए ये नूजना मैंने बांध दिया दोस्तों। और अब हम गाय को पहुँचाएँगे। पहुँचाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो गाय है उसके जो थन है उसको पानी से हम अच्छी तरह धो लेंगे हम पहले। देखिए पानी से ऐसे साफ़ करके खींचेंगे तो थोड़ी देर में ये जो दूध है उसको नीचे उतार लेगी थनों में। अगर बछड़ा रहता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बछड़ा छोड़ा तो अपना जल्दी से पहुँच जाती है। पर बिना बछड़ी की गाय को दूहने में थोड़ी समस्या आती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है क्योंकि ये धीरे धीरे दूध उतारती है। देखिए पहले हम इसको साफ़ कर लेंगे। देखिए मैं दीदी ने ला के तगारी दे दी थी मुझे, तगारी पे बैठ गया हमें। उसके थन भी छोटे हैं तो पकड़ने में बहुत दिक्कत आती है, दूहने में भी बहुत हाथ दुखने लग जाते हैं दोस्तों। इसमें बहुत समस्या आती है इस गाय को दूध निकालने में। ये देखिए ये दूध निकालना मैंने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा थोड़ा उतार दिया गाय ने दूध। तो ये देखिए अब हम दूहना प्रारंभ कर दिया मैंने गाय को। तो दोस्तों देखिए अभी चल रहा है हमारा काउ मिल्किंग काम। कि आराम से चाटा खाते हुए आराम से दुआ लेगी गाय ये। हमारे ऐसे होते हैं दोस्तों राजस्थान में काउ शेड, जो काटे हैं बबूल है उसकी टाटियाँ बना के हम इससे बना देते हैं, ऊपर छा देते हैं टाटियों को। और इधर आसपास इधर भी कर देते हैं, टाटी बना के लगा देते हैं सामने इधर से भी। और ये कंधे दोस्तों जो सामने बाढ़ दिख रही है, हरे हरे कंधे हैं, ये बाढ़ करते हैं इससे। तो ये खेत है किसी का, इसके पास से हमने बना रखा काउ शेड। देखिए दूध धीरे धीरे उतार रही, इसलिए टाइम लग रहा है दूहने में मुझे। थन भी छोटे हैं तो हाथ में अच्छी तरह नहीं आ पाते हैं, तो भी दूध निकलने में बहुत समस्याएँ आती हैं, क्योंकि ये पेल्याण गाय है दोस्तों। पेल्याण यानी पहली बात यही है गाय, दूसरे बेत में तो अच्छे से हो जाएंगे इसके थन। और एक बच्चा रहता तो उससे भी फ़र्क पड़ता है दोस्तों। ये देखिए सर्दी से बचाने के लिए लगाए थे ये तरपाल वगैरह टाटियों पे हमने, और अभी धूप है तो उससे भी बचाने के लिए लगाना पड़ता है। खैर दिन में तो हम खोल देते हैं, शाम को आती गाय फिर दिन भर चर के। देसी गाय है दोस्तों ये। ये देखिए चल रहा अभी हमारा काउ मिल्किंग का काम। और दोस्तों ये वैसलीन किस लिए रख रखी है, क्योंकि वैसलीन गाय को दूहने के बाद हम लगाते हैं इनके थनों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लू चल रही है अभी तो फट जाते हैं थन इनके, इसलिए हम ये शाम सवेरे दूहने के बाद इसके वैसलीन लगा देते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और ऐसे ही मुझे अपना सपोर्ट देते रहें, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया दोस्तों।
बैठ गिने Thank you.